दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां नॉलेज की बारिश होती थी। एक ऐसी जगह जो अपने समय में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र थी। वो जगह है नालंदा यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक ज्ञान का मंदिर था। नाम तो सुना ही होगा, ये वही नालंदा है जो अपने समय में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। आजकल के हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से भी ज्यादा फेमस थी ये यूनिवर्सिटी। यहाँ का माहौल इतना प्रेरणादायक था कि हर कोई यहाँ आना चाहता था। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में थी। ये जगह शिक्षा और संस्कृति का संगम थी। यहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और कई अन्य देशों से छात्र यहाँ आते थे। इमेजिन करो, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 से ज्यादा टीचर्स। ये संख्या अपने आप में अद्वितीय है, वो भी आज से हजारों साल पहले। सोचिए उस समय की शिक्षा प्रणाली कितनी एडवांस्ड रही होगी। यूनिवर्सिटी इतनी ग्रैंड थी कि लोग दूर दूर से बस देखने के लिए आते थे। यहाँ की वास्तुकला और संरचना अद्वितीय थी। कहानियां तो ऐसी हैं कि यहाँ का लाइब्रेरी इतना बड़ा था कि वो महीनों तक जलता रहा जब उसे आग लगाई गई। यहाँ लाखों किताबें और पांडुलिपियां थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी झकास यूनिवर्सिटी का क्या हाल हो गया, इसका पतन कैसे हुआ। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसके इतिहास और वर्तमान स्थिति पर एक नजर डालते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं सेंचुरी में गुप्ता डायनास्टी के टाइम पर हुई थी। यह यूनिवर्सिटी अपने समय की सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में से एक थी। यह यूनिवर्सिटी बुद्धिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और यहाँ बौद्ध धर्म के स्कॉलर्स और मंक्स का आना जाना लगा रहता था। लेकिन यहाँ हर धर्म और विद्या का सम्मान होता था। यहाँ हिंदुइज्म, जैनिज्म और अन्य धर्मों के विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त करते थे। स्टूडेंट्स यहाँ ग्रामर, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। इसके अलावा मैथमेटिक्स, लॉजिक और आर्ट्स भी यहाँ पढ़ाए जाते थे। यूनिवर्सिटी में डिबेट्स और डिस्कशंस का माहौल बना रहता था। यहाँ के विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर ज्ञान की गहराइयों में उतरते थे। टीचर्स भी बड़े एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल होते थे। वे अपने सब्जेक्ट्स में माहिर होते थे और विद्यार्थियों को गहन ज्ञान प्रदान करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, जिसका नाम डार्मागंज था, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक थी। यह लाइब्रेरी ज्ञान का भंडार थी। इसमें लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स थे जिनमें साइंस, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स कवर होते थे। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी हमारे लिए अमूल्य धरोहर है। सही में नालंदा यूनिवर्सिटी वो जगह थी जहां नॉलेज की गंगा बहती थी। यहां से निकले स्कॉलर्स ने पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। अब आप सोचोगे कि ऐसी ग्रैंड यूनिवर्सिटी का डाउनफॉल कैसे हो गया। नालंदा, जो कभी ज्ञान का केंद्र था, आज खंडहर क्यों है? तो सुनो, 12वीं सेंचुरी में एक टर्क इन्वेडर था, बख्तियार खिलजी। वो एक रूथलेस और एम्बिशियस कॉन्करर था। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक कर दिया। उसकी सेना ने यूनिवर्सिटी को घेर लिया और हमला शुरू कर दिया। खिलजी के अटैक का रीजन था यूनिवर्सिटी का इमेंस नॉलेज और वेल्थ। वो इन सब को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। उसने यूनिवर्सिटी को लूट लिया और जला दिया। आग की लपटों में सब कुछ खाक हो गया। लाखों प्रीशियस मैन्युस्क्रिप्ट्स जलकर राख हो गए। वो अनमोल ज्ञान जो सदियों से संचित था, एक पल में नष्ट हो गया। ये इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही दुखद चैप्टर है। इस घटना ने भारत के शैक्षिक और सांस्कृतिक धरोहर को गहरा आघात पहुंचाया। नालंदा यूनिवर्सिटी का विनाश सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का विनाश नहीं था, बल्कि नॉलेज और विजडम का भी विनाश था। ये एक युग का अंत था, लेकिन अब अच्छे दिन आने वाले हैं। नालंदा फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। सेक्शन 4, रिवाइवल। नालंदा रिटर्न्स विद अ बैंग। जी हाँ, आपने सही सुना, नालंदा यूनिवर्सिटी अब वापस आ रही है अपने पुराने ग्लोरी के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने का डिसीजन लिया। नई नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस पुरानी यूनिवर्सिटी के रुइंस के पास ही बनाया गया है। ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की होगी, जहां वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी जाएगी। यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, इकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे। स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए भी इनकरेज किया जाएगा। सेक्शन 5, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू होप्स। नालंदा यूनिवर्सिटी का रिवाइवल इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये यूनिवर्सिटी इंडिया को वापस से नॉलेज का हब बनाने में हेल्प करेगी। यूनिवर्सिटी यंग माइंड्स को अट्रैक्ट करेगी और उन्हें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। इससे इंडिया का फ्यूचर ब्राइट होगा और देश प्रोग्रेस करेगा।
तो दोस्तों, ये थी नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो पास्ट में ग्लोरियस थी, फिर उसे बर्बाद कर दिया गया और अब वो वापस आ रही है अपने खोए हुए ग्लोरी को रिक्लेम करने के लिए। सेक्शन 6, नालंदा कॉलिंग। नालंदा यूनिवर्सिटी आपको भी बुला रही है। अगर आप में है कुछ कर गुजरने का जज्बा, तो आइए और इस हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनिए। यहां आपको मिलेगा नॉलेज का सागर, एक्सपीरियंस टीचर्स का गाइडेंस और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देर किस बात की, आज ही अप्लाई करिए नालंदा यूनिवर्सिटी में। और हाँ, एडमिशन मिलने के बाद मुझे जरूर बताना, हम सब मिलकर एक ग्रैंड पार्टी करेंगे।